Hello everyone, I am Abhishek and welcome to the YouTube channel The Milestone. And today we are going to study integers. This is the first exercise of class 7. We are going to study integers. You have learnt integers in class 6 and you have to learn this. This is the first exercise. You have to learnt in class 7 also integers. So before we start integers, we talk about some types of numbers, and the first is natural number. You know what is natural number? All counting numbers are called natural numbers. All counting numbers are called natural numbers. So for 1, 2, 3, 4 and so on, these are called natural numbers. Whole number, natural number together with 0 are called whole numbers. ये सारा हो नेचुरल नंबर, और इसके साथ अगर हम जीरो लिख दें देन दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स. और उसके बाद जो है वो हमको इंटीजर्स पढ़ना है. इंटीजर्स इज अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर. से इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये होल नंबर काउंटिंग नंबर्स ये सारा, और निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स से काउंट 1, -1, -2, -3 दीज ऑल आर कॉल्ड इंटीजर्स. ये सब को इंटीजर्स कहते हैं. इन विच दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स. -1, -2, -3, -4, -5 ये सब नेगेटिव इंटीजर्स. एंड ज़ीरो, ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है. 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3 ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स. सो आप समझ गए कि इंटीजर्स क्या होते हैं. अब इंटीजर्स पे जो कुछ चार बेसिक ऑपरेशंस हैं, ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, हमको बेसिकली इस एक्सरसाइज में यही सारे करने हैं, ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड. सो जो पहला जो है वो एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स जो है उसको जोड़ना है इसमें. तो आप लोग को पता होगा, आप लोग जोड़ते भी होंगे इस तरह से. 2 + 3 आपको पता होगा क्या 5 होता है. यू हैव एड दिस, बच्चे से अब जोड़ते आ रहे होंगे, 2 + 3 = 5. लेकिन इसमें इंटीजर्स का जोड़ आएगा, -2 + 3 - 5 + 4 इस तरीके का. तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं. दोनों एग्जाम्पल्स जो है वो एडिशन का है. देखिए इसमें 2 + 3 था, और यहाँ पे हम साइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. हम दोनों पे जो है साइन देखना है. ऑब्वियसली 2 है इसे पॉजिटिव है, 2 के आगे प्लस छिपा हुआ है, उसको लिखा नहीं जाता है. तो दोनों पॉजिटिव साइंस जब ऐड किए तो 5 हो गया, ऐड कर दिए उसको, और साइन भी पॉजिटिव ही है. उसी तरह जब दोनों निगेटिव है, यहाँ -3 है और ये -2 है, 2 के आगे माइनस और 3 के आगे माइनस, यानी ये दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं. तो जब निगेटिव इंटीजर्स दोनों को एक साथ जोड़ना हो तो बेसिकली हम इसको ऐड कर देते हैं, 2 और 3 = 5, और साइन जो कॉमन साइन है वही आंसर में भी देना है. चूँकि दोनों में माइनस है तो आपको आंसर में भी माइनस देना है. तो जोड़ने का जो तरीका है इसमें पहला टाइप यह है कि जब दोनों का साइन सेम रहे तो आपको उसको ऐड करना है और जो साइन है उसमें देना है. जैसे यहाँ पे प्लस था तो आंसर में प्लस है, और यहाँ दोनों में माइनस था तो आंसर में माइनस दिया है. उसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, -4 + -6. इसको जोड़ना है तो हम देख रहे हैं 4 और 6 दोनों निगेटिव है, तो इसको हम ऐड कर देंगे, 4 और 6 = 10, और आंसर में भी जो है वो माइनस का सिम्बॉल होगा. अब नेक्स्ट टाइप जिसमें कि इस दोनों का साइन जो है वो अलग अलग हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये 3 + -2. ये यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 जो है वो पॉजिटिव है और 2 जो है वो नेगेटिव है. तो इसको ऐड करने के लिए बेसिकली जब दोनों का जो है साइन अलग अलग हो तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, जो बड़ा से बड़ा है उसको छोटे को उसमें घटा दीजिए. ठीक है, 3 में 2 घटाते हैं तो बचा 1. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 and 2, इट कम्स 1, और साइन आपको उस नंबर का देना है जो नंबर बड़ा होगा. 3 और 2, इस दोनों में से बड़ा 3 है और 3 का साइन प्लस है,
ये तीन पॉजिटिव है, इसलिए आंसर में भी प्लस होगा, जो कि यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वन मोर एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ ये माइनस फोर प्लस टू। अब हम देख रहे हैं कि ये ऐड करना और दोनों का साइन जो है वो अलग अलग है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो जब दोनों का साइन अलग अलग हो तो आपको घटाना पड़ता है, चार में से दो घटाइए बचेगा दो। और आप देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, यहाँ पे देख रहे हैं हम चार बड़ा है, तो आंसर में जो है आप साइन चार का दीजिएगा, जो कि माइनस है, तो आंसर में साइन आप माइनस का दीजिएगा। बस यही सारे तरीके थे जोड़ने के। अगर दोनों का साइन सेम हो तो आपको उसको जोड़ देना है, और जो क्वेश्चन का जो साइन है जो दोनों नंबर्स में वो आपको देना है, और जब दोनों का साइन जो है वो अलग अलग रहे तो आपको घटाना है, और जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन आपको आंसर में देना है। जस्ट लाइक दैट सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से आपको करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट बिल्कुल सेम ही है। अब जो है बात कर लेते थोड़ा सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। पहला जो एग्जांपल हम ले रहे हैं पाँच माइनस थ्री, ये आप लोग इसको आप घटा चुके होंगे, आपको पता होगा इसका आंसर, फाइव माइनस थ्री टू। नेक्स्ट एग्जांपल इज माइनस फाइव माइनस, लेट्स टेक माइनस थ्री, थोड़ा सा आसान करते हैं, फाइव माइनस माइनस थ्री, इसको घटाना है, फाइव में से हमको माइनस थ्री को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये ब्रैकेट पहले इसको सॉल्व आपको करना होगा, पहले इस ब्रैकेट से इसको बाहर निकालना होगा। तो आपको पता होगा कि माइनस और माइनस ये प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस। तो फॉर दिस पाँच को एज इट इज़ लिखते हैं, एंड इसके ब्रैकेट्स को हटाने के लिए इसको हम माइनस और माइनस प्लस करके लिख देते हैं, ये प्लस थ्री। एंड नाउ ये जैसा कि आप ऐड करते हैं, फाइव प्लस थ्री इट इज़ एट। वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक माइनस फोर माइनस माइनस सिक्स, माइनस फोर में से माइनस सिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव दिस ब्रैकेट, ब्रैकेट्स को हटाना होगा। तो माइनस फोर को एज इट इज़ लिखिए, और आपको पता होगा माइनस और माइनस जो है वो प्लस, आपको प्लस लिखना है, माइनस माइनस जब दो मल्टीप्लाई तो इट कैन बी रिटन एज प्लस सिक्स। और अभी जैसा कि पहले एडिशन में बताया था, जैसे एडिशन करते हैं उसी तरह फिर इसको करना है, माइनस फोर प्लस सिक्स है, ये दोनों का जो साइन है वो अलग अलग है, तो आपको इसको घटाना पड़ेगा, छः में से चार घटे बचा दो, और इस दोनों में से जो नंबर बड़ा है जो ऑब्वियसली सिक्स बड़ा है और इसका साइन प्लस है, तो आपको आंसर में प्लस ही रहने देना है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दिस इज द लास्ट वन, फाइव इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, लेट्स फाइव इसमें से आपको टेन सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट टेन फ्रॉम फाइव, फाइव में से आपको दस घटाना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लियरली फाइव के आगे पॉजिटिव साइन है और टेन नेगेटिव है, तो दो अलग अलग साइंस के नंबर है, यानी अपोजिट साइंस है, तो इसमें आपको घटाना पड़ेगा, टेन में से फाइव घटे, जो बड़ा रहे उसमें से छोटे को घटा लेना है, टेन में से फाइव घटे बचा पाँच। और इस दोनों नंबर में हम देख रहे हैं बड़ा नंबर है टेन, तो आपको आंसर में जो है जो बड़ा नंबर है उसी का साइन जो है आपको लिखना है। ये था सब्ट्रैक्शन। अब जो है नेक्स्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब गुणा कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, मल्टीप्लिकेशन भी जिस ऐड और सब्ट्रैक्ट की तरह ही, जिस कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम भी समझेंगे इसको। ये दो एग्जांपल्स लिखा है मैंने, माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री एंड टू मल्टीप्लाई थ्री। अब दोनों में एक सिमिलरिटीज़ है, वो कि दोनों में साइन जो है दोनों का सेम है, जैसे यहाँ पे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो दोनों नेगेटिव है। तो जब भी दोनों का जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों का साइन सेम हो तो आप आंसर प्लस में लिखना है, या इस तरह से कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस या प्लस प्लस प्लस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स और माइनस माइनस प्लस, तो इसको प्लस में ही, प्लस लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है, ये ऐसे ही लिखा जाता है सिक्स, और ये आप तो पता ही होगा टू थ्री जा सिक्स।
और जो तीसरा टाइप अलग का जो थोड़ा सा अलग जो है, ये इस तरीका का क्वेश्चन जो कि लास्ट टाइप है इसका। इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों का साइन जो है वो अलग अलग है। माइनस टू को तीन से मल्टीप्लाई करना है, जिसमें एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नंबर को गुना करना है, दो गुना तीन छः, ठीक है। और आपको साइन निगेटिव का ही देना है। जब दोनों अलग अलग साइंस हो तो आपको हमेशा याद रखना है निगेटिव साइंस ही देना है, या इस तरह से याद रखते हैं प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस क्या माइनस, या जब दोनों अलग अलग साइंस हो तो आपको जो है आंसर निगेटिव में ही लिखना है। उसी तरह 3 2 6 और ये प्लस और माइनस माइनस, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। जब दोनों साइन सेम हो तो आंसर प्लस में लिखना है, और जब दोनों साइन अलग अलग हो तो आंसर को माइनस में लिखना, या माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में एक और चीज़ आता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करने दिया जाएगा, ये तो हालांकि अभी छोटा है, इस तरह से यहाँ डॉट डॉट करके 1000 times 525 times इस तरह से लिखा हुआ रहता है, तो उस पर भी आएंगे। पहले इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आपको पता होगा एक गुना एक गुना एक गुना कितना, एक ही होता है। एक को आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करिए उसका आंसर एक ही आता है। तो चारों को जब गुना करेंगे तो एक आएगा। अब सिंबल्स क्या होगा, इसका सिंबल की जरा बात कर लें। यह माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है। आपको काउंट करना है नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 4 times मल्टीप्लाई हुआ है, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर हो तो आंसर जो है वो प्लस में आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो आंसर शुड बी इन प्लस, और प्लस लिखने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। इसी में अगर हम एक टर्म और इसमें इंक्रीज कर देते हैं माइनस वन, अब ये माइनस वन 5 times लिखा हुआ है, तो 1 को 5 times मल्टीप्लाई करेगा, आंसर तो 1 ही आना है। लेकिन साइन क्या होगा, देख रहे हैं यहाँ 1 5 times है जो कि ऑड है। तो अगर n ऑड टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो आंसर आपको निगेटिव में देना है माइनस, तो इसका आंसर होगा -1। उसी तरह अगर ये 6 बार लिखा हुआ था तो फिर 1, और 7वें बार फिर ये -1 हो जाता। क्वेश्चंस इस तरीके से थे, ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके के, डॉट 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 100 times, मतलब ये -1 -1 -1, ये 100 बार इस तरीके से लिखा हुआ है और इसका आंसर आपको बताना है। तो एक जो है वो 100 times लिखा हुआ हो, 1000 times लिखा हुआ हो, सब का आंसर एक को आप 100 times गुना करिए या 1000 times, आंसर 1 ही आता है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि एक जो है वो 100 times लिखा हुआ है जो कि इवन नंबर है, और आपको पता है इवन नंबर हो तो आंसर जो है वो प्लस में आता है, तो इसका आंसर 1 ही होगा। लेकिन अगर यहाँ 100 times के बदले 101 times लिखा हुआ रहता है, ये इस तरह से 101 times लिखा हुआ है, तो इसका जो आंसर 1 को 100 times मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही आएगा। लेकिन साइन जब ये 101 जो कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में आपको पता है कि आंसर जो है वो माइनस में होता है, इसका आंसर -1 हो जाएगा। तो सो यहाँ से जो पूरा जो है वो यही कि आप जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहे तो आपका आंसर प्लस में होना चाहिए, और जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर रहे तो आपका आंसर जो है वो माइनस में होगा। उसी तरह डिवीज़न भी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक जैसा ही है। अब डिवाइड कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिवीज़न इसको एग्जांपल्स के थ्रू इसको भी हम समझेंगे। ये डिवाइड आप लोग कर चुके होंगे, 18 divided 6, इसका आंसर है 3। इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों नंबर निगेटिव है, तो आपको जो नंबर्स है उसको डिवाइड कर लेना है, 6 3 18, और इसका आंसर 3 ही होगा। तो यहाँ पे है ये कि जब दोनों का साइन सेम हो तो आपका आंसर जो है वो प्लस में ही होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये भी प्लस और ये भी प्लस है, तो आंसर प्लस में ही है। और यहाँ पे 18 का साइन भी माइनस है और 6 का साइन भी माइनस है, तो आंसर प्लस में ही होगा। जब दोनों टर्म्स का साइन जो है वो सेम रहे तो आंसर जो है वो आपको प्लस में लिखना है, और जब अलग अलग हो, -18 divided 6, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये माइनस है और ये प्लस है, तो जब अलग अलग हो तो आंसर जो है वो आपको माइनस में लिखना है, निगेटिव में, 6 3 18 और ये -3। उसी तरह 18 divided -6, दोनों का साइन जो है वो अलग अलग है, तो इसको हम कह सकते हैं 6 3 18 और
माइनस थ्री। ये रहा डिवीजन, डिवीजन तो बहुत ही आसान है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन, और टोटल तीन ही एक्सरसाइज है आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज में। सो नाउ यू कैन सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ क्लास फर्स्ट इंटीजर्स, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।